हमारे साथ अंबेडकरवादी डॉक्टर पीआर राव हैं, जो आज ही जेल से छुटके आए हैं और ये संविधान बचाओ देश बचाओ जो आंदोलन है उसके सूत्रधार हैं। और 19 तारीख दिसंबर की जो CAA के प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद लखनऊ पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। हम उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अंबेडकर साहब, ये आपने जो एक आंदोलन खड़ा किया कि संविधान बचाओ देश बचाओ, ये आंदोलन क्या है और इसका मकसद क्या है? ये आंदोलन वास्तव में जब 2016 में जो है केंद्र सरकार ने जो है नागरिकता जो कानून रहा है उसमें संशोधन की जब बात कही थी तो एक जो है संदेहास्पद जो है स्थिति निकल के आई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2013 में जो है NRC को अपडेट करने की बात कही गई थी। तो NRC की जो अपडेटेशन में जो प्रोसेस जब शुरू हुआ 2016 में, तो उस दौरान वहाँ के जो आसाम के मुख्यमंत्री थे सोनोवाल साहब, तो उन्होंने वो पाया या जो बीजेपी की जो पूरी जो लॉबी रही उन्होंने पाया कि इस देश में जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुस्लिम घुसपैठिए इस देश में आए हुए हैं, तो उन्हें उस एनालिसिस में उस विश्लेषण में पाया कि इस देश में वास्तव में जो कहा जा रहा है और जिसको भ्रम बना करके फैलाया जा रहा है कि इस देश में मुसलमान घुसपैठिए के रूप में आए हैं, वो सिरे से खारिज करती थी वो रिपोर्ट। उसमें ये पाया गया कि इस देश में बहुत सारे जो है नॉन मुस्लिम्स जो आए हैं इस देश में उनको लेकर के वो जो एक संदेहास्पद चीज रही है, एक डाउटफुल चीज रही है, जिसको लेकर के इन्होंने जो है सिटीजनशिप एक्ट में एक संशोधन करने का जो है एक साजिश रची। तो इसको हम लोग बाकायदा इसकी एक एनालिसिस हुई, हम लोगों की जो एक टीम रही है, हम लोगों का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, इस चीज में पाया कि कहीं ना कहीं इस देश में जो बाइफर्केशन किया जा रहा है, इस देश में हिंदू बनाम मुस्लिम जो बनाया जा रहा है उसको लेकर के इनकी जो गतिविधियां रही हैं, जो भाजपा की सरकार आप कह लीजिए, जो RSS का जो एजेंडा रहा है उसको लेकर के इन्होंने जो है NRC के माध्यम से सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया, जिसको लेकर के हम लोग इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उसमें एक तबका जो मुसलमान को लेकर के जो एक अलग करने की जो बात कही जा रही है उसमें वही संदेहास्पद चीजें हैं। तो जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसमें बेसिकली आ रहा है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है वो इस देश की जो मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना क्या है, यूनिटी इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको वायलेट करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, जो इस देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको जो है तार तार करता है। इस वजह से हम लोग जो है सड़क पर आए और इसका जो है अहिंसात्मक रूप से, जिसमें ये निर्णय लिया गया क्योंकि हम इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस देश में हिंसा को पसंद नहीं करते, इस देश में हिंसा नहीं, लोकतांत्रिक माध्यम से हम इसका जो है प्रतिरोध करेंगे, इस संदर्भ में हम सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। 19 तारीख का आंदोलन के बाद जब आपको अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस का क्या रवैया था और पुलिस आप पर आरोप क्या लगा रही थी? पुलिस का आरोप ये रहा है कि ये सभी लोग जो है इस साजिश में शामिल रहे हैं। तो मैं खुल के बताना चाहूँगा कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में अपनी बात को रखना चाहते हैं कि इस देश में जो सरकार है अपनी जो नीतियाँ ला रही हैं वो देश पर किस तरह से जो है प्रभावित करेंगी देश के नागरिकों को, ये हम लोगों तक जाकर के बता रहे हैं कि ये जो संविधान का ये जो नागरिकता संशोधन आया है ये इस देश के लिए कितना खतरनाक है, ये चर्चा में आपसे मैं आगे करूंगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण जो रवैया रहा है ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है इसके पीछे जो है क्या शासन की मंशा रही है। इन्होंने जिस तरह से जो है निर्दोष लोगों को मारा है, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ, मैं उस प्रोटेस्ट में अहिंसात्मक रूप से लोकतांत्रिक रूप से वहां पर उपस्थित रहा। जब इस तरह की घटना एक फोर्स आया तो हम लोग वहां से हट करके, हमारा एक प्लेस था, हम फैब इंडिया के पास में रुके हुए थे, एक संभ्रांत व्यक्ति ने हमारी मदद की और हमको अपने घर के अंदर शरण दी। मेरे साथ सदफ मैडम भी थी जो सुरक्षित रही हैं। हम लोग जब पूरा जो प्रोटेस्ट या जो हिंसात्मक जो रवैया रहा है, जो हिंसात्मक चीजें वहां पर हुई हैं, उनके शांत होने के बाद हम लोग शाम को निकले, करीब 4:45 बजे का समय था। तो जब हम लोग बाहर निकले तो वहां पर पुलिस ने हम लोगों पर अटैक कर दिया। सैकड़ों पुलिस थी, उन्होंने ना ही हमारी बात सुनी ना ही किसी भी तरह की कोई जो है आग्रह को जो है उन्होंने माना और लगातार उन्होंने जो है हमारी पिटाई की।
बर्बरतापूर्वक 4 बार हमारी पिटाई हुई है, हमारे सर पे कम से कम जो है 8-10 लाठियां पड़ी, जिसके बाद में कुछ समय के लिए बेहोश रहा और उसके बाद मुझे याद नहीं किस तरह से जो है चीजें रही हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका आंदोलन है जिसको आपने नाम दिया संविधान बचाओ देश बचाओ, इसको अब आप कैसे आगे लेके जाएंगे? हम लोगों के सामने इस संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान एक जो है एक अर्ज है, ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स हैं कि इस देश में जिस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है डायरेक्ट माध्यम से ना जाकर के ये लोग इनडायरेक्ट माध्यम अपना रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक विश्लेषण और भी आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि वास्तव में जो ये सिटीजनशिप एक्ट आया है जिसमें बदलाव लाया गया है इसके परिणाम क्या होंगे। पहला एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आदेश दिया गया था कि NRC को अपडेट किया जाए, ना कि सिटीजनशिप एक्ट में किसी भी तरह के परिवर्तन की बात नहीं कही गई थी। ये एक संदेहास्पद चीज़ है, एक डाउटफुल चीज़ है जो लोगों के सामने आना चाहिए। कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इन्हें नागरिकता कानून में संशोधन लाना पड़ा। दूसरी बात निकल के आ रही, जब इनकी फाइनल लिस्ट आई है तो फाइनल लिस्ट में ये आया कि 19 लाख से ज़्यादा लोग NRC की लिस्ट में शामिल नहीं हुए। 19 लाख लोगों में से 13 लाख से ज़्यादा लोग नॉन मुस्लिम्स हैं। ये नॉन मुस्लिम्स हैं कौन, ये एक प्रश्न हमारे सामने उठ रहा है। और ये जो नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं ये जाएंगे कहाँ? मैं अपनी बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस समाज से आता हूँ, उस मैं क्योंकि मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ, मेरा जन्म उस समाज में हुआ है जिस समाज को सबसे निकृष्ट माना जाता है, इस देश का सबसे निकृष्ट प्राणी हूँ मैं। कौन सी? ब्राह्मणी और मनुवादी व्यवस्था के अनुसार मेरा जन्म, आप इस देश की सबसे गंदी जाति गाली अपने मन में ले लीजिए, मैं वो हूँ। आप वो समझ सकते हैं ना, सारी गालियों का जो सर्वोच्च है, सारी गालियाँ उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं, मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ। तो जो लोग इस देश में आ रहे हैं, मैं एक विश्लेषण आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आखिरकार हैं कौन? अगर वो हिंदू के नाम पे आ रहे हैं तो क्या वास्तव में वो हिंदू, किस तरह के हिंदू? मैं खुलकर जरूर आपके सामने बात रखना चाहूँगा, इस देश में जो जाति व्यवस्था है, अहिर, गड़रिया, काछी, कुर्मी, नाई, धोबी, चमार, पासी, खटिक, ये जो अन्य लोग, ये जो तबका है जो इस देश में आ रहा है, इस देश में जिन लोगों का सम्मान जो सदियों से रह रहे हैं उनके पास आज भी 1 इंच जमीन नहीं है। आप पूर्वांचल में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, लोगों के पास 1 इंच की जमीन नहीं है, खाने को तरस रहे हैं। बिहार में ऐसे लोग हैं जो आज भी चूहे को मारकर खाने को, आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है इस देश की। तो जो लोग हिंदू के नाम पर इस देश में लाए जाएंगे उनको कहां बसाया जाएगा, उनके साथ व्यवहार कैसा होगा? आज भी आप देखिए, कुछ समय पहले जो है गाजियाबाद में एक होटल वाले को जो है कुछ मनुवादी लोगों ने मारा, और किन शब्दों का इस्तेमाल किया? चमट्टा। ये चमट्टा है क्या? ये कौन है चमार लोग? क्या वो इस देश के मूल निवासी नहीं है? क्या ये वो इस देश में रहने वाले लोगों का उनका अधिकार नहीं है? किनके पास जमीन है? जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आएंगे, जो अफगानिस्तान से आएंगे, अगर उनमें से, मैं अपनी इसलिए बात खुल के कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में ये बात छिपा के रखी गई है कि उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, जो इस देश में रह रहा है, जो चमार, पासी, अहिर, गड़रिया, काछी, कुर्मी जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको तो सरकार देख नहीं रही है। गुजरात में आप देखिए जिस तरह से जानवरों की तरह से मारा गया है 4 लोगों को, कौन से लोग हैं वो? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या वो बांग्लादेश से आए थे? क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? उनको क्यों मारा गया? इस देश की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसके आधार पर मारा गया। जो अगर संविधान के ये जो इन्होंने संशोधन किया भी है तो जो नागरिकता अगर उन्हें मिल भी जाएगी तो उन्हें जमीन कहां से मिलेगी? जमीन जो लैंड का जो प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। स्टेट गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी किसी को लैंड नहीं मिल सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट का के पास वो अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई भी जातियां, इन जातियों में से जो इस देश की OBC, SC, ST है, जो इस देश के संविधान के अनुसार है, बांग्लादेश में लोग उनको क्या कहते हैं? लेकिन चमार तो जरूर कहते होंगे, पासी जरूर कहते होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था है। अगर हिंदू कह रहे हैं तो हिंदू के अंदर वो सारी चीजें आ रही है ना, जाति व्यवस्था आ रही है। तो ये लोग भी वहां पर हैं।
तो ये लोग जो आएंगे तो इनको कौन सी चीज वहां पर दी जाएगी? क्या इनको एजुकेशन की सुविधा दी जाएगी? आज तक इस देश में रहने वाले जो SC ST OBC हैं उनको कौन सी अच्छी शिक्षा दी जा रही है? उनके रोजगार को लेकर के कौन सी बात कही जा रही है? रोजगार को लेकर के इस देश में फोर्थ क्लास की जो नौकरियां हैं उनको खत्म किया गया है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्लास में सबसे ज्यादा कौन सा जा रहा है? OBC SC एंड ST। तो ये जो षड्यंत्र पूरा आ रहा है, ये जो मुस्लिम बनाया जा रहा है ना, ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम का एक चेहरा डाल करके हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो ये एक समझने वाली बात है जिसको लेकर के और भी चीजें सामने आएंगी। सरकार बार बार ये बात कह रही है कि किसी को डरने की बात नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी सारे भारतीय जो है जिनकी नागरिकता भारतीय है वो भारतीय रहेंगे। तो आपको किस बात का अब डर है जो ये आंदोलन आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यही तो सबसे बड़ा इनका जो है एक षड्यंत्र है। लोग जैसे अमित शाह साहब ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, ये जो डर शब्द है ना, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। ये डर ही डर है। ये हमें बताना चाहते हैं कि हम इस देश में शासन करते आए हैं सदियों से और आज भी करेंगे। आपको नागरिकता तो देंगे लेकिन आपको मानसिक गुलाम बना के रखेंगे। जो 13.5 लाख लोग आए हैं उनको जमीन नहीं मिलेगी, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी आप बताएं? 25 साल से 30 साल लग जाएगा एक जनरेशन को बनने में, एक पीढ़ी को बनने में। जब ये आएंगे तो क्या इनको नौकरियां किस आधार पर मिलेंगी? इनको गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है। दूसरी चीज और मैं खुल के और भी सामने लाना चाहूंगा, जो 13.5 लाख के बाद मान लीजिए मुस्लिम्स आ भी रहे, तो ये मुस्लिम्स हैं कौन? ये पशमानदा मुस्लिम्स हैं। ये वो मुस्लिम्स हैं जो वहां सताए भी गए हैं या नहीं सताए गए हैं, लेकिन अपनी स्थितियों को देख करके इस देश में अगर आए भी हैं तो उनको क्या बांग्लादेश भेजा जाएगा, अफगानिस्तान भेजा जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा? अगर वो इस देश में रहते भी हैं तो उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको क्या बनना पड़ेगा? हिंदू। अगर वो हिंदू बनते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं बनते तो डिटेंशन सेंटर में जा करके जीवन भर अपना जो है अपने जीवन को जो है त्यागेंगे या अपना जीवन कैसे चलाएंगे, ये प्रश्न है। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जो पशमानदा की मैं बात कह रहा हूं, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी है, उसको नागरिकता नहीं मिल रही, अगर वो हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता है, मान लीजिए गोसी समाज का आदमी है मुसलमान में, तो उसको कन्वर्ट अगर होता तो उसको अहीर बनाएंगे, चमड़े का काम करने वाला अगर मुसलमान है तो उसको चमार बनाएंगे, हज्जाम है तो उसको नाई बनाएंगे। क्या ये जो बाइफरकेशन है जो आज हम इस देश में अपनी बात रखना चाहते हैं, इस देश में जो एक एक समरसता की बात रखना चाहते हैं, नई तकनीकें आ चुकी हैं जहां पर जाति व्यवस्था काम नहीं करती है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जातिवाद से ऊपर उठो, लेकिन जातियों को तो बना के रखा है ना। अगर आप इन लोगों को लाना चाहते बिल्कुल स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके मान सम्मान, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या आपका प्रोविजन है? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? भविष्य में उन लोगों के साथ कैसा होगा? बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी। इसी देश में, इसी देश के रहने वाले लोग जो कहीं और से नहीं आए, उनको बारातों में घोड़ियों से उतार करके गोलियां मारी जाती हैं। ये कौन से लोग हैं जो घोड़ियों से उतार करके इनको मारते हैं? पहले तो इस पर जो है एक समाधान निकल के आना चाहिए। तो और बहुत सारी चीजें हैं और इस पर डिस्कशन और निकल के आएगा।